ये कहाँ आ गए हम। इथोपिया की गलियों में आपका स्वागत है, इथोपिया की रोडों पे आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा विश्व साइकिल यात्री एक बार फिर आ गया हूँ भाई। और अभी हम हैं इथोपिया में, और इथोपिया की एक छोटी सी सिटी है मोजो। पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा कि रात को हम यहाँ पे पहुँच गए थे, तो व्यू यहाँ से हमारे होटल के बालकोनी से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये ट्रकों वाला जो ये साथ वाला भी ट्रकों वाला होटल है, यहाँ पे होटल के अंदर ट्रकों को खड़ा किया जाता है, लॉक लग जाता है गेट, ताकि चोरी ना हो। तो ट्रक रात को एक अंदर सेफ जगह पे खड़े किए जाते हैं, इसलिए ट्रकों वाले होटल बने होते हैं बहुत सारे। इस होटल का जो किराया है वो 150 बीर है। 150 बीर का मतलब हो गया कि 200-250 के बीच का कहीं भी। बाथरूम में गर्म पानी आ रहा था तो नहा लिए भाई अपा। और ये रूम है, और ये सामान पड़ा है धनों का सारा, तो चप्पल और टावल इन्होंने दे रखा था, सबसे अच्छी चीज़ ये है। और रूम ठीक ठाक था, अपना काम चल गया भाई। और 250 रुपये में इतना अच्छा रूम मुझे पहली बार देखने को मिला है भाई। 250 भी नहीं कहूँगा मैं, 225 है मेरे अकॉर्डिंग तो। और धनों को इन्होंने स्टोर में रखवा दिया था, तो स्टोर के अंदर धनों हैं, वहाँ से हम धनों को लेंगे और चलेंगे भाई। आ गया हूँ नीचे, धनों को कर लिया तैयार। और ये भाई बड़ा मस्त है। थैंक यू सो मच। यस। और या सो टुडे आई जस्ट राइड वन एंड जुआई, या टुनाइट आई जुआई। तो आज जुआई रुकेंगे भाई, 100 किलोमीटर है यहाँ से, तो भी इंजॉय। और मिट्टी फंसी पड़ी है, ये वो सूडान वाली मिट्टी है सारी ये। ऑन द वे आई कैन फाइंड अजीरा फूड अंजीरा ऑन द वे Zoi, yeah, you get okay. So I just drink there. There is a beach, so you can get a fish or something. I'm a vegetarian, no problem. Okay, guys, निकलता हूँ यार। सुबह की शुरुआत हम कॉफ़ी से कर रहे हैं, तो भाई के साथ में बुना पियेंगे। और यहाँ के लोग कहते हैं कि कॉफ़ी का जो ओरिजिन हुआ है वो इथोपिया में हुआ है, तो अभी बुना तैयार हो रही है, ये कप वप में डाल के सही तरीके से, और इन लोगों के साथ कॉफ़ी पी के और फिर निकलूँगा भाई। इन लोगों को पिला के पी के आराम से मस्ती करते हुए निकलेंगे। वो मेरा दोस्त बन गया है। इस जगह से हम नेशनल हाईवे 1 छोड़ देंगे और नेशनल हाईवे 7 पे चले जाएंगे, तो ये सीधा जिबूती की तरफ जाता है नेशनल हाईवे, और एक्सप्रेसवे भी जाता है। तो आज हमारी 90 किलोमीटर की राइड है अभी, और तो धीरे धीरे चलेंगे अब। इस पे थोड़ा शायद ट्रैफिक कम हो जाए वहाँ से, और थोड़ा ट्रैफिक कम हो गया तो ठीक है, नहीं तो बहुत ट्रैफिक था यार इस रोड पे। ये यहाँ की रेंज ख़त्म हो गई, अब नए स्टेट की रेंज शुरू हो गई है, तो ऐसा बोर्ड लगा होता है हर शहर जब क्रॉस करते हो ना, शहर की है या स्टेट की है मुझे नहीं पता ये तो, पर ये बोर्ड लगा होता है यार। तो अब हम मोजो सिटी की रेंज से बाहर निकल गए, अब नेक्स्ट सिटी आएगी, कौन सी आएगी पता नहीं है। पहाड़ है साइडों में, दिख नहीं रहे होंगे यार आपको, पंगा है यार। GoPro में वाइड एंगल होता है ना, तो फिर जूम करेंगे तो पिक्सल फट जाएंगे, बड़ा पंगा रहता है। रोड जो है मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं दिल्ली जयपुर वाले हाईवे पे चल रहा हूँ, वही अरावली की पहाड़ियाँ हूँ जैसे, दूर दूर थोड़ी सी, और कच्चे कच्चे से घर हों। ये देखिए यार, जल्दी की हाइट थोड़ी सी ठीक करी है, और हाइट थोड़ी सी ना ज़्यादा हो गई थी, मैंने सुबह सेट करी थी, थोड़ी ज़्यादा हो गई। और ये एक्सप्रेसवे है जो साथ साथ चलता है, हवासा तक जाएगा ये। मैक्सिमम गाड़ियाँ जो है वो यहीं से चलती हैं, यहाँ से चलती है मैक्सिमम गाड़ियाँ, क्योंकि टोल एक्सप्रेसवे जो है वो ये चाइना ने बनाया, चाइना ने अपने साइन बोर्ड भी लगा रखे हैं बहुत सारे। क्या व्यू है यार। और ये हमारा ऑटो चलता हुआ इथोपिया की गलियों में, और ये सारा नज़ारा है देखिए। जिस रोड पे हम जा रहे हैं उस पर ट्रैफिक बहुत है, मेरे को लग रहा था कि मोजो के बाद में नेशनल हाईवे नंबर 7 पे चढ़ जाऊंगा, 1 छोड़ दूंगा तो फिर ट्रैफिक कम हो जाएगा। ये एक्चुअली पुराने हाईवे हैं यहाँ के।
ये गांव आ गया कोई यार, छोटा सा गांव है पर लोग म्यूजिक बड़ा सुनते हैं यहाँ पे लगा के। थैंक यू माय डियर। वो थम्स अप कर रहा था इंडिया को। कंचे खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं बच्चे। देखो यहाँ पे ना साइकिल को बड़े कलरफुल सी बना के रखते हैं ये लोग। दिखाऊं यहाँ की लोकल साइकिल। हेलो मिस्टर, हाउ आर यू? ओ पंप, यू आर पंप। थैंक यू सो मच। रेस लगा रहा है मेरे साथ में, भाग रहा है आगे। कम ऑन। यस, लुकिंग नाइस। रा। व्हाट्स योर नेम? नेम? व्यू देखो यार कितना मस्त है। इधर कोई लेक है, चर्च बन रही है, चर्च के लिए पैसे मांग रहे हैं। ये छाता लेके उल्टा करके उससे पैसे मांगते हैं। ये सामने लेक है यार बहुत बड़ी। वाव, क्या वैली आई है यार, मज़ा आ गया देख के। कई चीज़ें ना वो मैं ही फील कर सकता हूँ, आप लोगों को दिखा नहीं सकता। तो मुझे भी लेने दो यार कभी कभी फीलिंग। सारी चीज़ें आप ही देख लोगे तो फिर मैं क्या देखूँगा। पंछियों की चहचहाने की बड़ी आवाज आती है यहाँ पे। कोई बाजार आ गया, छोटा सा शहर है। कोका नहीं तेरा कोका, इस गांव का नाम पता क्या है? कोका। तो कोका में मैंने सोचा कुछ कोके में कुछ खाया जाए, तो मैंने पबले होटल से पूछा अंजीरा है? नहीं है। फिर इनसे पूछा, बोला कि यहाँ मिल जाएगा। तो लैंग्वेज बैरियर बढ़ा रहा है। कॉफ़ी पियेंगे, अंजीरा खाएंगे। और दन्नों को यहाँ पे पास में खड़ा कर लिया, तंग कर रही है आज दन्नों थोड़ी सी। तो लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा रहता है। तो थैंक यू सो मच। किसी को समझ नहीं आती अंग्रेज़ी। थैंक यू। ये मूंग की दाल है यार। मिसर, ये व्हाट इज है? इज एंड दिस राइस सलाद। पानी भी दे दिया यार, अदरवाइज यहाँ पानी पूनी कम ही देते हैं। ये तो पूरा डोसा है, डोसा खा लिया भाई। तो बुना बुना पिक्चर है। तो भाई मैंने अंजीरा और गुन्ना के ना इनको 100 रुपये दिए। 100 मतलब 20 हमारे 150 रुपये हो गए, मतलब 150-170 के करीब। उन्होंने 40 मुझे वापस दे दिए। तो लगभग 100 रुपये में मुझे खाना भी मिल गया, कॉफ़ी भी मिल गया। सस्ता तो शायद इंडिया में भी ना हो डोसा। थैंक यू भाई। हेलो भाई, यहाँ पे पीछे खाना खाया, 11 बज गए, अब निकलता हूँ और 80 किलोमीटर राइड रहेगी, 80 नहीं 70 के आसपास है। तो शाम तक पहुँच जाऊँगा आराम से, मस्ती करता हुआ जाऊँगा। आज तो 6 घंटे है मेरे पास। कोका से थोड़े निकलते ही ना बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। फार्म हाउस नहीं, मतलब हॉर्टिकल्चर के फार्म हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े हैं। ये देखिए गनमैन जा रहा है। और पानी की इतनी समस्या, ये देख लो, पीने के पानी के लिए लाइनें लगी हुई है। लोग कई कई किलोमीटर से पैदल चल के सिर्फ पीने का पानी की एक कैनी लेने आते हैं। ये देखिए जैसी माता आ रही है। भाई इथोपिया को आप है ना लेखों का देश भी कह सकते हो, इतनी लेक है ना, कितनी झीलें हैं यहाँ पे। देखिए एक ये पीछे 3-4 में छोड़ के आया हूँ, दिखा नहीं पाया। और इसकी वजह से खेती भी बड़ी मस्त हो रही है यार यहाँ पे। सब लोग बड़े लेक में से मोटर लगा के पानी निकाल लेते हैं।
ये जो साथ साथ चल रहा है वो एक्सप्रेसवे है, पर एक्सप्रेसवे पे कोई जा ही नहीं रहा, मैं तो देख रहा हूँ सारा खाली पड़ा है। और ये पेड़ बड़े मस्त हैं यार, ये तो मुझे जैसे बड़ जैसा दिख रहा है पर है नहीं, ये कुछ और है क्या है यार, किसी को बताओ तो बताना। अरे हाँ, ये तो अंजीर है, अंजीर अंजीर। एक लेक और आ गई है, लोग खेतों में काम कर रहे हैं। हेलो, ये तो बिल्कुल रोड के पास ही आ गई है, पानी लगा रहे हैं। पेड़ बड़ा है, ये तो क्या है भाई, ये भी अंजीर का पेड़ है। मार्केट आ गई है कोई, ठीक है। तो ये पंछी, ये पंछी देखो कैसा खड़ा है, ये इनको खाने को मिल जाता होगा ना थोड़ा बहुत। प्याज और टमाटर बेचे जा रहे हैं और फिश बेची जा रही है। कोई गांव आ गया भाई, ये देखो। यो 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 भाई सब एग्रीकल्चर के, जॉन डियर के बड़े बड़े ट्रैक्टर खड़े हैं, न्यू हॉलैंड जॉन डियर। एग्रीकल्चर अच्छी होती है इस एरिया में। बच्चों की स्कूल से छुट्टी हो रही है, घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये ट्राइबल एरिया के लोग आ गए, तो मैं कोक पीने के लिए रुका था, तो ये जो कुछ अपने ऊँट ऊँट चराने के लिए आए थे तो इधर आ गए। ये हथियार लेके आया भाई, कंजारा, व्हाट इज ए कंजारा फॉर बनाना, यू कट बनाना। थैंक यू। ये होता है छात, एक पेड़ होता है यहाँ पे, और ये कीनिया में इथोपिया में इसको खाया जाता है, इससे नशा होता है, इसमें पैक होके आता है ये। कुछ देशों में ये इलीगल है पर यहाँ पे ये लीगल है, ये ट्रेडिशनली इसको यूज करते हैं लोग। हाउ मच इज दिस वन? 100। ओके, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, 100 रुपये, मतलब 150 रुपये का इतना घास है ये। और ये इसको ट्रेडिशनली यूज करते हैं, ये देखिए इन्होंने पैक होके आता है अलग अलग जगह से, तो इसको बोलते हैं छात, कात भी बोलते हैं। आप सर्च करोगे CHAT भी कह सकते हैं, KHAT भी बोलते हैं, तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। जर्मनी वगैरह में ये इलीगल है और यहाँ पे ये लीगल है। यमन में सबसे ज़्यादा होती है, यमन में तो इसके प्रति पंगा भी चला, ये पानी बहुत पीती है जब इसको उगाया जाता है, इसलिए इसको इलीगल कर दिया यमन में अभी। टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री है, पर फील लाइक 35 डिग्री है, और गर्मी जो है वो सहारा से भी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी की वजह से आपको थोड़ा सा पसीना आता है। सहारा में पसीना नहीं आ रहा था, यहाँ पे पसीना आता है। ये आगे जो गाड़ी जा रही है, इसमें कोई जर्मनी का कपल था, वो एडिस में रहता है, और यहाँ रुक गया मेरे को देख के, पूछने लग गया और पानी की बोतल दे गया, बोले यार ठंडा। मैंने कहा मेरे पास पानी है, तो बोला कि वो गर्म हो चुका है, ठंडा पीजिए, मैं साइकिलिस्ट हूँ। अच्छा, वहाँ तो एक्चुअली वो रोड के बीच में खड़े हो गए, इसलिए जल्दी निकल गए। हम दोपहर यहाँ काट रहे हैं, धन्नों को यहाँ पे लगा दिया, आराम से बैठे हैं, आधा घंटा हो गया, अभी 1 बज गया है, और आज की राइड जो है वो हमारी 50 किलोमीटर की रह गई है। आ जा, वो बोतल जो वो गाड़ी वाले दे के गए थे मैंने भाई को दे दी, थैंक यू। 1.5 घंटा रेस्ट कर रहे हैं, पर ये बच्चे आ गए, ये बड़े तंग कर रहे हैं, मनी 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 मनी, पर पेड़ की छाँव के नीचे मज़ा आ गया अब 1.5 घंटे रेस्ट करके। और अब 2:30 बज गए हैं, मतलब अगर ये बच्चे ना आते तो मैं 3-3:30 बजे तक रेस्ट करता, क्योंकि 3 किलोमीटर 3 घंटे का रास्ता रह गया तो 6 बजे तक पहुँच जाता। यहाँ पे जो सनसेट होता है वो 6:45 पे होता है, तो आराम से पहुँच जाता, पर अब इन बच्चों ने तंग कर लिया तो चलो निकल जाते हैं। मनी मनी मनी, सेम वही प्रॉब्लम है जो कि इजिप्ट में थी, मनी मनी मनी। यहाँ पे तो और भी ज़्यादा है, ये बच्चे तंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, 1, 2, 3, 4, और अभी तो कुछ चले गए,
आठ दस आगे थे गांव या कोई आसपास में किसी भी जुड़ी हुई ना उसमें से आ जाते हैं। ये टाटा की बसें चलती है भाई यहाँ पे। हमें मुझे जो एक्सीडेंट है ना वो भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, गाड़ियाँ पलटी हुई, चोट खाए हुए। ये देखो ये पलटी खा, वाह हेलो, ये मरा तो नहीं क्या कोई? ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट देखने को मिल जाएंगे आपको रोड साइड में। स्पीड देखो, ये डाउन हिल है, डाउन हिल। कंट्रोल नहीं हो रही दोनों। डाउन आ गई। रोड देखो कितने गंदे हो रहे हैं यार, और आंधी आई हुई है। यहाँ पे जितनी भी बाइकें और ऑटो है ना, बजाज, टीवीएस और हीरो के, गुलमोर का पेड़ देखो भाई। पपीते लगते हैं यहाँ पे, पपीते बेच रहे हैं। पपीता 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 पपीता, जितने भी स्टॉल लगे हुए सब पपीता के हैं। ये देखो एक गाड़ी इधर है, मैं बोल रहा था ना एक्सीडेंट बहुत होते हैं यहाँ पे। अभी मैं 20 किलोमीटर हूँ, पर यार यहाँ पे ना एक पंगा है, यहाँ पे सड़क पे बच्चे आ जाते हैं बहुत सारे, और रोकने की कोशिश करते हैं, ना रोको तो पत्थर मारते हैं। एक दो मारा, ये देखिए यहाँ पे लगा। अगर ऐसा ही रहा तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। ये तो स्वेलिंग भी आ गई है, तो बच गया, मैंने यूँ कर लिया ज़ोर से, अगर तीन चार इकट्ठे मारते तो फिर पंगा हो जाता। ये समस्या है यहाँ पर। पहले भी मैंने एक दो ब्लॉग पढ़े हैं किसी लोगों के कि साइकिलिस्ट के साथ ऐसा करते हैं। मैं रोक भी लिया, रोकने के बाद मनी मनी जब पैसा ना दोगे तो फिर चलने लगोगे, तब फिर फेंक के मारते हैं। चलो देखता हूँ यार, अभी तो मैंने रोका है, बुना पियेंगे मतलब कॉफ़ी पियेंगे और फिर चलेंगे यार आके। अब 20 किलोमीटर और निकालनी है, अभी 4 बजने वाले हैं तो 5-5:30 बजे तक मैं निकाल दूँगा भाई। यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और ह्यूमिडिटी की वजह से ना स्पीड नहीं बन पाती है, गर्मी होती है, टेम्परेचर कम होते हुए भी गर्मी लगती है। परेशान हो गया यार, दर्द करने लग गया है तो। आज मुँह लगाई है निकाल के ना, मुँह का स्प्रे किया है, और ये साथ साथ मेरे ना लेक चल रही है, एक बहुत बड़ी लेक है इधर पूरे इस साइड में, और दनो, और हम एक कोई गिरा हुआ पेड़ है उसके ऊपर आराम से बैठे हैं। 15 किलोमीटर जाना है, और बस इस दर्द की वजह से थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ यार। क्या किया जाए क्या ना किया जाए समझ नहीं आ रहा, अजीब लोग है यार। सामने चर्च है, और ये भाई यहाँ पे पूजा कर रहा है अपनी। 40 कल्चर का डिपार्टमेंट फिर शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। लेक में से मछलियाँ पकड़ के लाया भाई, अब तो साइकिल चलानी मुश्किल हो गया है, पेन हो रहा है। एक हाथ से चलानी पड़ रही है। देखो थोड़ा थोड़ा रंग दिखने लग गया होगा आपको अफ्रीका का, ये जानवर क्या है देखो। हेलो भाई, मैंने रूम तो ले लिया है और कुछ खाने के लिए आया हूँ, तो ये कोई नाइट कैफ़े है यहाँ पे, नाइट कैफ़े।
इस पे मैंने कुछ ऑर्डर दिया है। यहाँ पे एक चाउमीन आती है, सपाघाती बोलते हैं, सपाघाती विद वेजिटेबल और एक जूस, ये ऑर्डर दिया है। 120 रुपए के आसपास का ये पड़ेगा मुझे, और खा के और फिर रूम में जाऊंगा यार। हाथ ये देखो, ये स्वेलिंग है अभी भी, यहाँ पे पकड़ा भी नहीं जा रहा फ़ोन भी, तो जाके थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट करूँगा, पहले तो गोली वोली लूँगा। और ये आई है भाई, मैगी आ गई है, चाउमीन की तरह है, सब्जी है इसके अंदर, और पीछे दिख रहा है वहाँ पे मैंने खाना खाया है जो कि चाउमीन वगैरह, और उसके ऊपर चिड़िया बड़ी चहचारी। और ये शहर जो है ना बड़ा सुंदर सा है यार, फ्लावरिंग अच्छी हो रही है और बनाया हुआ भी बड़ा प्यारा सा है, रोड के दोनों तरफ पार्क है, बड़ा मस्त सा शहर है। ये होटल लिया है भाई मैंने, और ये होटल मिले मुझे, इसमें रूम मिला है सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, मतलब 100 बिर का मिला है। तो भाई ये मिला है मुझे होटल में रूम, छोटा सा कैद सी बना रखी है इन्होंने तो बिल्कुल, एक लाइट लगी हुई है छोटी सी ऊपर, और बाथरूम भी है वैसे तो, ये देखिए ये बाथरूम भी बना हुआ है। पर ये क्या है कि यहाँ पे बड़े सस्ते सस्ते से होटल होते हैं मोस्टली, 100-200 वाले या फिर हाई रेंज वाले होते हैं, तो हाई रेंज वाला तो बहुत महंगा पड़ता, तो मैंने सस्ते वाला ले लिया भाई। तो भाई आज का वीडियो करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि लाइट है नहीं अभी रूम के अंदर। तो तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।